नमस्कार ईश्वन। ईश्वन इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ दो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, ठीक है ना। दोनों इम्पोर्टेंट थ्योरम्स अधिकतर बोर्ड एग्जामिनेशन में आती रहती हैं। इस चैप्टर की आप प्लेज देखना चाहते हो जो यहाँ पर आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर आप इस चैप्टर की प्लेज देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं ट्राइंगल पर, आपके लिए उन्हें सॉल्व करने की जरूर कोशिश करें। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपको इन थ्योरम पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उसे सॉल्व करने का आप जरूर कोशिश करें और उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तभी कुछ आपको बेनिफिट होगा। हैं स्टूडेंट, बिना आपके काम करे कोई काम नहीं चल पाएगा, थोड़ा सा काम करिए, है ना। चलिए सर, सॉल्व करते हैं इस थ्योरम को, समझते हैं ये थ्योरम। स्टूडेंट ये कहती है कि यदि आपके पास कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, मान लेता हूँ ट्राइंगल ए बी सी है, ये ट्राइंगल ए बी सी है, राइट, ए बी और ये सी ट्राइंगल। थ्योरम ये कहती है कि सी एक एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मैं इसका भी कर सकता हूँ लेकिन मैं इसका बाइसेक्टर कर लेता हूँ, ठीक है ना, इसका बाइसेक्टर। ये डी ए डी जो है इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये है कि वन और टू एंगल दोनों आपस में इक्वल है। तब स्टूडेंट क्या कहता है, ये थ्योरम ये कहती है कि ये बाइसेक्टर यहाँ पर डी पर कट करता है, तो ये बी डी और डी सी जो है का रेशियो जो है वो ए बी अपन क्या होगा, ए सी होगा। ये बात प्रूव करनी है, इसके लिए स्टूडेंट हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करें कि इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें और इसको आगे प्रोड्यूस करें। पहले ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सीधा प्रोड्यूस कर लेते हैं, राइट, ये लाइन प्रोड्यूस करी हमने। फिर हम क्या करें, इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, इसके पैरेलल, ध्यान रखिए इसके पैरेलल लाइन ये होगी, ठीक है, ये लाइन और ये दोनों पैरेलल हैं, मान लेता हूँ ये ई पॉइंट पर कट करता है, राइट। हमने क्या किया, हमने इस लाइन को इसके पैरेलल बनाया है, ये कंस्ट्रक्शन है, और इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया है ई तक, राइट। अब हमें ये प्रूव करना है कि बी डी अपॉन डी सी जो है वो ए बी अपॉन क्या होगा, ए सी होगा। इस बात को थोड़ा लिख लेते हैं फिर इसे प्रूव करेंगे। गिवन, गिवन क्या है, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, यदि आप स्टूडेंट ए बी सी लिख रहे हो तो यहाँ पर ए बी सी लिखो, और पी क्यू आर लिख रहे हो तो आप पी क्यू आर लिखिए। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज अ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एंगल वन इक्वल टू कितना है, एंगल टू है। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, इन बातों को लिख लिया करें, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, क्या कंस्ट्रक्शन है। इन थ्योरमों के बहुत अच्छे कंसेप्ट होते हैं, इनको स्टेप्स को अच्छी तरह लिखोगे तो आपको कुछ न कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। मान लेता हूँ आप थ्योरम को अच्छी तरह प्रूफ नहीं कर पाते हो आगे, तो भी आपको इस टाइप के कुछ नंबर जरूर मिलते हैं, ध्यान रखें। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि बी डी अपॉन डी सी, ये बी डी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ का रेशियो हमेशा ए बी अपॉन क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करें, ड्रॉ ए लाइन, लाइन थ्रू सी पैरेलल टू ए डी एंड प्रोड्यूस बी ए टू ई, इसको आगे कहाँ करें, ई तक प्रोड्यूस करें, राइट। एफ देखिए स्टूडेंट, अब प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ बहुत इजी प्रूफ है, ज़्यादा परेशानी नहीं बनेगी, बहुत सिंपल, ठीक है ना। देखिए, आपको ए डी पैरेलल टू क्या दे रखा है, बी सॉरी ई सी, ए डी पैरेलल टू कितना है, सी ई है। जब ये लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तब इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में ये हो सकता है कि सर एंगल जो टू है वो थ्री के इक्वल होगा, है ना, ये ट्रांसवर्सल होगी, ये लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी, तो एंगल जो है, एंगल टू जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल थ्री के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल,
क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है सर। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और यदि इसको ट्रांसवर्सल माना जाए तो ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में, ध्यान रखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये क्या है ट्रांसवर्सल है, इस केस में वन और ये एंगल किसे नाम देते हैं फोर, वन और फोर के बीच क्या रिलेशन होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना। देखिए दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो ये क्या बन जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये क्या बन जाएंगे दो करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एंगल जो वन है वो क्या हो जाएगा एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा, ये आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर लिख सकते हो ये आपके पास दूसरा रिलेशन क्रिएट हो गया। आप फ्रॉम वन एंड टू क्या कर सकते हो, फ्रॉम वन एंड टू आप ये लिख सकते हो कि देखिए एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल के बने, एंगल वन एंगल टू के इक्वल के बने, तो आप ये कह सकते हो कि एंगल थ्री जो है एंगल फोर के इक्वल के बने होगा। आपने क्या प्रूव कर दिया स्टूडेंट कि एंगल थ्री जो है एंगल फोर के इक्वल होगा। तो आप ये भी जाते हो किसी ट्राइंगल में कि इन ट्राइंगल क्या ए सी ई, ए सी ई में आप ये जानते हो कि एंगल यदि इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड भी क्या होंगी इक्वल होंगी। तो आप ये कह सकते हो कि ए सी जो है वो ए ई के क्या होगा इक्वल होगा। आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने इनडायरेक्टली ये प्रूव कर दिया कि सर ये जो लेंथ है ना वो क्या होगी इसके इक्वल होगी, है ना। बस में आ गई, कोई परेशानी आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए टू तो थ्री के इक्वल होगा, वन जो है फोर के इक्वल होगा, वन फोर के इक्वल क्यों होगा क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल है, टू थ्री के इक्वल क्यों होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, वन और टू इक्वल दे रखे हैं इसलिए थ्री और फोर क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। थ्री और फोर इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि फोर के सामने साइड ये होगी और थ्री के सामने ये साइड होगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, है ना। अब जरा देखिए इन ट्राइंगल, यहां देख लेता हूं, यहां कर देता हूं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी ई, बी सी ई इन ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल देखें कि ए डी जो है वो पैरेलल है किसके ई सी के, है ना भाई। ये लाइन हमने क्या करा है इसके पैरेलल ये ले लिए, जब किसी ट्रायंगल में इस साइड के पैरेलल एक साइड होती है तो बाय बीपीटी हम ये जानते हैं, बाय बीपीटी क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि सर ये लाइन इसके क्या है पैरेलल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू क्या होगा इक्वल टू सर ये होगा बी ए अपॉन ए ई। कोई परेशानी आ सकता भाई, ये लाइन जो है इसके क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो आप में ये बी डी अपॉन डी सी का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, वो बी ए अपॉन ए ई के इक्वल होगा, ठीक है। अब जरा देखिए हम यहाँ पर इस ए ई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इस ए ई की जगह पर हम ए सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी, कुछ यही प्रूफ करना था, देख रहे हैं स्टूडेंट क्या प्रूफ करना था, बी डी अपॉन डी सी बराबर ए बी अपॉन ए सी। आगे प्रूफ बहुत इजी प्रूफ था ना, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, लर्न करने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है, हैंस प्रूफ, ठीक है। इसके बाद इसके एक्सटर्नल पर जो प्रॉपर्टी बनती है उसको बताऊंगा, एक बार इसे अच्छी तरह से आप कॉपी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट दूसरे थ्योरम को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी थ्योरम में केवल स्टूडेंट ये है कि पहले जो थ्योरम थी उसमें इंटरनल बाइसेक्टर था, तो हमने एंगल ए को बाइसेक्ट किया था, हमारे पास ट्राइंगल जो था वो ये था ए बी सी, है ना, और हमने इसको बाइसेक्ट किया था पहले। अब क्या करेंगे, इस एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, जरा इसको आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और इसमें इस एंगल का बाइसेक्ट करिए, इस एंगल का बाइसेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट कुछ इस तरह से बनेगा ना, ठीक है ना। इस केस में ये वन और ये टू दोनों आपस में क्या इक्वल हैं, इसे आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, इसको आगे हमने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना। ये ए बी सी और ये कितना आ गया हमारा डी आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है,
हमें इसमें स्टूडेंट ये प्रूफ करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, बी से लेकर डी तक, बी डी और सी से ले तक डी तक, बी डी अपॉन सी डी जो है वो हमेशा बी ए अपॉन ए सी के बराबर आएगा। ठीक है, देखिए गिवन क्या है, आपको गिवन है, इसमें लिख लें, गिवन है कि ए डी इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ऑफ एन एंगल ए, ठीक है ना, और आप ये कह सकते हो कि एंगल वन जो है एंगल टू के क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास सी है और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, बहुत ईजी है, कोई खास परेशानी नहीं आएगी, टू प्रूव आपके प्रूव करना है कि बी से लेकर यहां तक की लेंथ बी डी, बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन ध्यान रखें सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन क्या रहेगा ए सी। ठीक है, ये बात प्रूव करनी है कि इसका रेशियो यहां से यहां तक का रेशियो और यहां से यहां तक का रेशियो जो है हमेशा इन दोनों रेशियो की क्या होता है इक्वल आता है। स्टूडेंट क्या करें, कैसे प्रूव करें, ध्यान रखिए एक कंस्ट्रक्शन करिए, इस पॉइंट से इसके पैरेलल, वहां पर भी हमने इस पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी लेकिन वहां पर बाइसेक्टर इधर था तो पैरेलल लाइन इधर गई थी, अब यहां पर क्या है कि हमारे पास बाइसेक्टर ये है और इसके पैरेलल यहां से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर आएगी ना। ठीक है, मान लेता हूं ये ई पॉइंट है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, ड्रॉ ए लाइन, ठीक है ना, पैरेलल टू ए डी थ्रू थ्रू सी इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ए बी एट ई, इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है। ठीक है, जो ए बी को ई पर कट करती है। अब जरा देखना स्टूडेंट्स बात कैसे बनेगी, देखिए ये एंगल जो है ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। ठीक है, अब जरा देखिए ये अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल होंगे अल्टरनेट एंगल होंगे, तो आप इसे क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो यहाँ पर थ्री, क्या आप कह सकते हो कि वन जो है थ्री की इक्वल होगा, राइट। और देखिए ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है और इस केस में ये टू एंगल जो है इस एंगल की इक्वल होगा फोर के, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल जो है इस एंगल के क्या होगा इक्वल होगा और एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल होगा। लिख लीजिए प्रूफ है, प्रूफ, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, इतना लिख लेंगे। दूसरी बात लिख लीजिए एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर करस्पॉन्डिंग एंगल, इतना लिख लिया, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है, आप इसे नंबर वन नाम दे दीजिए, इसको नंबर टू दे दीजिए, लिखिए फ्रॉम वन एंड टू, वन इक्वल टू थ्री है, टू इक्वल टू कितना है थ्री है और एंगल वन इक्वल टू कितना है एंगल टू है, तो आप ये कह सकते हो कि एंगल थ्री इक्वल टू क्या होगा एंगल फोर होगा, राइट। जब एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर होगा तो स्टूडेंट ध्यान रखिए कि इसके सामने ये साइड है क्या है ए सी, ये ए सी जो है वो किसकी इक्वल होगी कि थ्री के सामने साइड क्या है ए, ध्यान रखिए ये साइड जो है हमेशा इसके क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है, यदि इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी जाती है तो ये लेंथ इस लेंथ के ऑलवेज क्या होगी इक्वल होगी, आप कोई फिगर में नहीं देख रहे होंगे, ये ध्यान रखें ये प्रॉपर फिगर नहीं बना हुआ है, ये एक्चुअली ई लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है यहाँ पर, राइट, तब ये पैरेलल क्रिएट होगी, ये लाइन हमेशा इसके क्या होगी इक्वल आएगी, इस बात का ध्यान रखें। अब जरा देखिए इस लाइन में
हमारे पास ये लाइन पैरेलल दे रखी है इसमें, ए डी जो है वो किसके पैरेलल है, इसी के पैरेलल है। तब देखिए इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी आप कहेंगे कि ई सी पैरेलल टू ए डी या ए डी पैरेलल टू ई सी। तो बाई बी पी टी जब ये लाइन इस लाइन के, ये लाइन क्या है पैरेलल है, ठीक है ना, तो क्या रेशियो क्रिएट होता है, सर ये क्रिएट होता है कि बी सी अपॉन सी डी, ठीक है, बी सी अपॉन सी डी इजकल टू क्या आएगा, ये आएगा बी ए अपॉन ई ए, सॉरी बी ई अपॉन ई ए, इतना आएगा ना, ठीक है भाई। ये लाइन जो है इसके क्या है पैरेलल है, तो हम ये जानते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से कि ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो ये रेशियो बराबर होते हैं, बी सी अपॉन ई डी इक्वल टू क्या होगा बी ई अपॉन ई ए, इतना आएगा। इसमें दोनों तरफ वन ऐड कर दीजिए, ऐड वन बोथ साइड, एड वन बोथ साइड, ध्यान रखें ये सब थ्योरम है बीपीटी की भी, इसमें वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा बी सी अपॉन सी डी प्लस वन इक्वल टू कितना आएगा बी ई अपॉन ई ए प्लस वन, राइट। अब देखिए इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो अपॉन नीचे वन आएगा, यहाँ पर ही नीचे वन आएगा तो एलसीएम आ जाएगा नीचे सी डी, आ गया ना सी डी, तो यहाँ पर आएगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे ई ए आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बी ई प्लस ई ए, ठीक है। अब जरा देखिए बी सी प्लस सी डी को क्या कह सकते हो, बी सी प्लस सी डी को आप क्या कह सकते हो बी डी कह सकते हो, तो आपके पास यहाँ रिजल्ट आ जाएगा बी डी, है ना, अपॉन क्या आ जाएगा नीचे सी डी आ जाएगा इक्वल टू, इसे क्या कह सकते हो बी ई और ई ए को, बी ई और ई ए को आप ए बी कह सकते हो, ए बी और नीचे क्या रहेगा ई ए रहेगा, इतना आ गया, ठीक है। लेकिन आपको लाना क्या है बेटे, ई ए आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ए बी आ रहा है, सी डी आ रहा है, बी डी भी आ रहा है, लेकिन ए सी आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हमने प्रूव कर दिया था यहाँ पर कि ए ई जो है किसके इक्वल है ए सी के इक्वल है, तो आप यहाँ पर इस ई ए की जगह पर क्या रख सकते हो ए सी रख सकते हो, यहाँ लिख लीजिए बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी, हैंस प्रूफ। यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप बहुत अच्छी तरह से बात को समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें और उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं आप लोगों के लिए एक ई बुक बना रहा हूँ, चैप्टर वाइज ई बुक, ठीक, चैप्टर वाइज ई बुक में क्या होगा, उस ई बुक में वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिन्हें रिवाइज करके आप 100% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है, सिलेक्टेड, और उन सेलेक्टेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मैं आपको हैंड रेटर दूंगा, राइट। आप उस ई बुक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो, उसकी कुछ कॉस्ट है, उतना पे करके आप उसके लिए कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए साहब इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, इसके बाद जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे सॉल्व करिएगा। स्टूडेंट एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ लेकिन रियली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जरूर सॉल्व करें, ठीक है ना। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, और ये बी सी को डी पॉइंट में मीट करता है और आपको ये डायमेंशंस गिवन है, तो बताना है कि बी डी और डी सी क्या होगा, राइट, जरूर बताना है, आप जरूर सॉल्व कर सकते हो, 100% सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, राइट। अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।